दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के समय में करियर के एक से बढ़कर एक विकल्प देखने को मिल रहे हैं। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, और जो लोग ये सब नहीं बनना चाहते वो चाय की टपरी लगाकर खुद को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन इन सबसे अलग कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी रेलवे विभाग में हो तो सोने पर सुहागा। ऐसी सरकारी नौकरी है लोको पायलट की, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर एक इंसान लोको पायलट कैसे बनता है, लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वगैरह वगैरह। अगर आप भी बेहतरीन नौकरी को अपनाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसी तरह बने रहना, जहां हम आपको लोको पायलट से जुड़ी सारी जानकारी देने आए हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लोको पायलट क्या होता है। असल में लोको शब्द का मतलब होता है रेल का इंजन, और पायलट होता है उसे चलाने वाला, यानी जो इंसान ट्रेन को चलाता है उसे ही लोको पायलट कहा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोको पायलट की पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती होती है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप भारतीय रेलवे में डायरेक्ट लोको पायलट की पोस्ट पर पहुंचने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोको पायलट की पोस्ट एक प्रमोशनल पोस्ट है जो असिस्टेंट लोको पायलट को एक्सपीरियंस्ड के बाद मिलती है। यानी कि अगर आपको लोको पायलट बनना है तो उससे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना होगा, और इस पोस्ट पर पहुंचने से पहले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होगा। दोस्तों लोको पायलट की पोस्ट पर एक निश्चित समय तक रहने और एक्सपीरियंस लेने के बाद उस कर्मचारी को पावर कंट्रोलर, क्रू कंट्रोलर या लोको फायरमैन या लोको सुपरवाइजर की पोस्ट पर प्रमोशन मिलता है, और इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर लोको पायलट तक का सफर तय होता है, और इसके आगे कई सारे प्रमोशन होते रहते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है। अब असिस्टेंट लोको पायलट में क्या होता है और इसमें क्या काम करना होता है ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्टिंग अधिकतर ग्रुप सी के तहत होती है, और रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन चलाने से जुड़े सभी कामों में लोको पायलट की मदद करता है। इतना ही नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट सिग्नल भेजने से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां निभाता है और लोको के सही तरीके से काम करने पर नजर रखता है। इसी वजह से इनकी जो जॉब होती है वो बहुत ही चैलेंज वाली होती है, जहां ड्यूटी टाइम से भी इन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, और ये टाइम कई बार 12 से 14 घंटे भी हो जाता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर में भी लगातार ट्रेन चलाने में मदद करना, वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटी भी आसानी से नहीं मिलती, ऐसे में इन छोटी छोटी दिखने वाली तकलीफों को हैंडल करना और सफर करते हुए अपना काम पूरी सहजता और सतर्कता के साथ करना असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट की ड्यूटी होता है, क्योंकि उन्हें अपने काम को करते वक्त काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। दोस्तों चैलेंज के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन अब बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब के फायदे क्या होते हैं। दोस्तों रेलवे हॉस्पिटल में असिस्टेंट लोको पायलट और उनकी फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, और असिस्टेंट लोको पायलट और उसके परिवार वालों को ट्रैवल करने के लिए प्रिविलेज पास मिलते हैं, जिनमें लंबी दूरी तय करने को दी जाती है। इन लोगों को स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों के लिए सालाना ट्यूशन फीस भी मिलती है, और अगर बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब एरिया से 50 किलोमीटर की लिमिट से ज्यादा दूरी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उसके लिए हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती है। हर साल सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट होता है, साल में 2 बार डीएनएस अलाउंस मिलता है, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहने पर स्पेशल हॉलीडे दिए जाते हैं, ऐसे में कई सारे फायदे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है कि एक इंसान को असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट को पाने के लिए कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है, इसके लिए ITI क्लियर होना भी जरूरी है, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में से किसी एक सब्जेक्ट में डिप्लोमा होना चाहिए, और जिस इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया जाए वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से प्रमाणित होना चाहिए। इसलिए जब कभी भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आयु सीमा की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल होनी चाहिए,
और रिजर्व कैटेगरी में एज में छूट मिलती है। और अगर बात करें असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए कौन से प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तो दोस्तों RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट से जुड़ी अधिसूचना निकालती है, जिसमें बताए गए एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने जैसे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि CBT 1 और CBT 2 होता है। साथ ही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों CBT के दोनों लेवल पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ये दोनों लेवल CBT 1 और CBT 2 क्लियर करने के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जा सकता है, और जब कैंडिडेट इसे क्लियर करता है तब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबल होता है। ऐसे में आपको यहाँ पर इन स्टेप्स का ध्यान रखना है। और अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि असिस्टेंट लोको पायलट को सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों शुरुआत में असिस्टेंट लोको पायलट को 20,000 की सैलरी मिलती है। हालांकि इसके अलावा DNS अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जैसे बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, और एक्सपीरियंस बढ़ने पर सीनियर लोको पायलट बन जाने के बाद सैलरी 60,000 से भी ज्यादा प्रतिमा हो जाती है। जाहिर सी बात है सैलरी के बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस तरह की सैलरी पाने के लिए और एक अच्छी नौकरी सरकारी वाली प्राप्त करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। और ये नौकरी बिल्कुल भी आम नौकरियों जैसी नहीं है, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि लोको पायलट के हाथ में ट्रेन की पूरी जिम्मेदारी होती है और ट्रेन में हजारों लोग बैठे होते हैं जिनकी जिंदगी लोको पायलट के हाथ में ही होती है। अगर आप इस तरह की अहम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं तभी इस नौकरी को अपनाने के लिए आगे बढ़े। बाकी उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर हाँ तो इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।